सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हुकुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हर साल की तरह ये साल भी ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है उसका नाम है कोविड, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पे दोबारा से मास्क नज़र आने लगे हैं। उसी की वजह से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के मास्क लगाने का असली रीज़न क्या है, क्या वो चलान की वजह से मास्क लगाते हैं या फिर कुछ और रीज़न की वजह से, और साथ ही कोविड गाइडलाइंस आने के बाद लोगों के न्यू ईयर प्लान्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वही आज हम जानेंगे सीपी के लोगों से और बाकी लोगों से भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हाँ, आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि जो आपने मास्क लगाया, इसका रीज़न क्या है मास्क लगाने का? फॉर आर पर्सनल सेफ्टी। ओके। और लाइक कॉमिक और हम चल रहा है तो दैट्स व्हाई कि हम इन्फेक्टिव ना हो जाए। एक्चुअल में मैं ये जो मास्क लगाया हुआ हूँ, मैं अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए लगाया हुआ हूँ कि मुझसे अगर मान लो मुझे हो भी जाता है तो कोई दूसरा अफेक्ट ना हो। मास्क तो खैर लगाना अच्छी बात है, बीमारी चल रही है। बाकी का यहाँ पर क्राउन फेस में ज़्यादा तरह से चालान की वजह से ज़्यादा कटा, जो 2000 रुपये का चालान मांगते हैं, इसलिए ज़्यादा लगाने का शौक रखते हैं। यहाँ पर अगर ज़रा सा चालान मास्क हटा देंगे तो 2000 रुपये का चालान कट जाएगा। अगर आपके पास पावर होती सब चीज़ों को कंट्रोल करने की, क्या आप लॉकडाउन लगाते या नहीं लगाते, क्या करते? नहीं, अभी पहले वैसे ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफ़ी कुछ हद तक सही कर रही है, बट ये जो नाइट कर्फ्यू है वो मुझे कभी समझ नहीं आया है। ये नाइट कर्फ्यू में वैसे भी रात में कौन ही घूमता है, मोस्टली जो पब्लिक है वो बाहर दिन में ही निकलती है, तो जो दिन में निकल रहे हैं उसमें कुछ अगर कंट्रोल कर सकते हैं हम तो मोस्टली वही है, उसी पे ही काम कर सकते हैं हम। मैं थोड़े टाइम के लिए बंद कर देती है ताकि मैं अपनी पार्टीज अटेंड कर सकूं, दैट्स इट। तो अगर आपके पास पावर होती, ताकत होती चलान वलान को बचाने की, लोगों को समझाने की, तो आप क्या करते ऐसा कि लोगों का चलान भी ना कटे और बीमारी से भी बचा जा सके? वैसे तो ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। बाकी सर, आपका क्या ओपिनियन है न्यू ईयर को लेकर के, कि न्यू ईयर के टाइम पे अगर ये जो चीज़ें हुई हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा लोगों के बिजनेस पे, लोगों के प्लान्स पे? एक्चुअल में अगर इनको लॉकडाउन और ये सब करना था नाइट कर्फ्यू तो वो न्यू ईयर के बाद कर सकते, क्योंकि अभी देख रहे हो आप न्यू ईयर है तो क्लब्स पूरे इसी पे चलते हैं, 25 से 31 तक इनका पूरा वही रहता है मेन पीक टाइम। अगर आप उसी टाइम इनको बंद कर दोगे तो ये बेचारे, इन पे वैसे ही लास्ट 2 साल से वो हो रहा था, तो अभी और ज़्यादा डाउन चले जाएंगे। और बाकी जो प्लान कैंसिल होने के हैं, तो यार देखो प्लान तो पूरे ज़िंदगी पड़ी हुई है प्लान बनाने के लिए, मेन अपना ये जान बचाने का है तो जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो डू यू हैव एनी न्यूर प्लान्स? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है, आप में से किसी का भी कोई न्यू ईयर प्लान नहीं है अभी? तो वही था, प्लान तो थे काफ़ी लोगों के जो कैंसिल हुए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब सभी ने प्लान कर रखा होगा कुछ ना कुछ तो। लेकिन फ़िलहाल ये है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि सेफ्टी पर्पज़ पैसे पहले है, आप पहले अपने आप को सेफ रखें, मास्क पहने, प्रॉपर सैनिटाइज करें हाथ और ये सब प्रिकॉशंस लें जो गवर्नमेंट बता रही है। अगर उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर देखिए सभी के लिए मुश्किल है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब जो है गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं और रेगुलेशन को फॉलो करें और मास्क तो जरूर करें।